खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी का ये जुमला बार बार विपक्ष के तरफ से बोला जाता है और घेरने की कोशिश की जाती है। आज एक बार फिर से मोदी जी को इसी जुमले के साथ घेरने की कोशिश की है अधीर रंजन चौधरी ने। जी हाँ, लोकसभा में उन्होंने प्याज का मुद्दा उठाया, बढ़ी हुई कीमतों को लेकर उन्होंने घेरने की कोशिश की। 80 से 140 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहा है और इसी पर उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्याज को लेकर काफी बवाल हो गया। कांग्रेस की ओर से सदन में प्याज की बढ़ी कीमतों का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और उनके ही नारे का इस्तेमाल उन पर कर दिया। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बाजार में आग लग गया है सर, अभी चीजों का दाम बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की सरकार जो प्याज आयात होती है वो बाजार में 140 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खुद खाऊंगा न खाने दूंगा, बस इतना कहने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसदों ने मांग करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी अपने पिछले बयानों के लिए माफी मांगे, उसके बाद ही उन्हें सदन में बोलने का मौका दिया जाए। गौरतलब है कि अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिए बताया था, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई थी और अधीर रंजन की माफी पर अड़ गई थी। सदन में इस मसले पर काफी हंगामा हुआ। इसी दौरान बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घुसपैठिया कह दिया था। इधर संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी प्याज के दामों का मुद्दा उठा रही थी तो दूसरी ओर संसद परिसर में भी प्याज का मुद्दा ही चर्चा में था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद परिसर में प्याज के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि देश में इस वक्त प्याज 80 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और इस पर बवाल मचा हुआ है। क्या है आपकी राय प्याज पर जरूर बताएं, ढेर सारे सुझाव दें। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया को है आपके ढेर सारे सुझाव की जरूरत। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।